गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पेपर थ्री एजुकेशन एंड डेवलपमेंट क्रेडिट दो हैं, हफ्ते में 2 घंटे क्लास अटेंड होगी थ्योरी की, 35 मार्क्स का है, इट मीन्स 1.5 घंटे का पेपर है, तो जो कुछ वहाँ 14 मार्क्स का था ये 7-7 नंबर का आधे का रह जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है जो पीछे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करके आए हैं। इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन ये यहाँ पर इजी करके समझ लेते हैं, ये रहा ये फॉर एग्जांपल यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपने एक करना है, यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे एक करना है, ये 2 क्वेश्चन है, ये यूनिट 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आ गया दूसरा आ गया ये आपने एक चूज कर लिया, 4th में से 2 क्वेश्चन आए आपने एक चूज कर लिया, ये यूनिट है इतने, 5th क्वेश्चन इन जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपने नहीं अटेम्प्ट किए उनमें से एक अटेम्प्ट करना है, इन्हीं में से सिलेबस में से आएगा और वो भी ये 7, 7, 7, 7 और 7 35 का ये आपका टोटल एग्ज़ाम हो गया। तो ये सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन को 2, 3, 4 से ज़्यादा भाग नहीं होंगे, उसके मार्क्स आपको ज़रूर बताए जाएंगे। क्या करना है, इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एनालाइज द सोशल कल्चर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एग्जामिन द चेंजिंग एम्फेसिस ऑन एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो दूसरी यूनिवर्सिटी में इस पेपर में नहीं है, इंटरनेशनलाइजेशन है ना, अंडरस्टैंडिंग रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन हेल्प इन इकोनॉमिक एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ जो मीनिंग है सिर्फ ये बात हमने सीखनी है कि नेशनल डेवलपमेंट की बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, इतना डिफरेंस है। सेक्शन 1 है वेरी इजी, जो सेम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क का ये आ सकता है, 7 का ये आ सकता है और ये वही होगा एग्जैक्ट जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी या इंडिया की बाकी यूनिवर्सिटी में सभी में ये कंसेप्ट है, इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है चेंजिंग एम ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं सारे, सिर्फ 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि सभी कंट्री ने अपने डोर खोल दिए हैं कि कोई भी एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकता है, हम किसी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, लेकिन हम ही जाएंगे कनाडा अमेरिका, नहीं हमारे में भी आ रहे हैं लेकिन हमारे में किस कंट्री में से आ रहे हैं ये डिफरेंट बात है। तो आप एजुकेशन को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो माइग्रेट होने के लिए। रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं उनको कैसे लर्न करना है ना, उस वीडियो का आसरा लेके हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, 4 पिल्लर्स ऑफ एजुकेशन आर रिकमेंडेड बाय यूनेस्को। तो ये कुछ भी नहीं, 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 बन जाएंगे, ज़्यादा इजी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, यही होगा। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, है ना, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी हो सकता है, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सेक्शन डी में होम स्कूल एंड कम्युनिटी एज मीडिएटर ऑफ एजुकेशन, तो 1 क्वेश्चन बन गया जैसे होम का, है ना, मीडिएटर ऑफ एजुकेशन, स्कूल एज मीडिएटर ऑफ एजुकेशन, कम्युनिटी एज मीडिएटर ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, सोर्स ऑफ वैल्यू, वेज एंड मीन्स ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यू, सभी यूनिवर्सिटी में ये सेम है, जो कॉमन होगा वो पहले वीडियो उन पर बात करेंगे। तो इसके अलावा क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो जो पिछले साल आया है, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये 2019 का है, लास्ट वाला देखते हैं, ये आया कि नहीं, ये पंजाबी वाला यहीं से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ दी, दूसरी तरह करते हैं अभी, क्वेश्चन है 1.5 घंटे का, पहले बात हो चुकी है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, और ईयर होगा यहाँ पर 2022 का, पिछले साल का है पेपर, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछले साल का, इमीडिएट पिछले साल का पेपर देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अटेम्प्ट एनी फाइव इन ऑल सेक्शन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ये बात हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन वन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज पर इंडियन फिलोसफर, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये डिवीज़न हो गई है कि ये हो सकता है एक बार एम आए हैं, दूसरी बार करिकुलम आ जाए, तीसरी बार मेथड्स ऑफ टीचिंग कुछ ऐसा है ना, तो ये डिफरेंस हो सकता है। इट मीन्स ये इन क्वेश्चन पेपर ने हमें गाइड किया कि इस टॉपिक को इन डेप्थ में करना है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो 17 गोल जो हैं डिस्कस करने हैं। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम। नेम द फोर पिलर ऑफ एजुकेशन एज गिवन बाय यूनेस्को, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल इन स्ट्रेंथिंग एनी वन ऑफ दीज पिलर, एक्सप्लेन रोल ऑफ स्कूल है ना। तो तीन एजेंसी थी उसमें से एक आ गई। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोशल चेंज, हाउ इज एजुकेशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, एक डेफिनेशन भी पूरी यही कहती है कि एजुकेशन इज द पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज। तो ये दो नंबर का ये होगा और ये फाइव मार्क्स का हुआ। डिफाइन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स द एम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अकेली डेमोक्रेसी पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क्राइब द क्रिटिकल रोल ऑफ होम इन एजुकेटिंग द चाइल्ड, होम का ये तो आप भी पढ़े हुए हो, हाँ घर से पढ़े हैं कि नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन घर से ही होती है स्टार्ट, और पहला टीचर मम्मा ही होते हैं, पापा भी हो सकते हैं। व्हाट आर वैल्यूज, सुजेस्ट वेरियस वी मीन इन टू इनकलकेट वैल्यूज इन स्कूल स्टूडेंट्स, तो ये भी थोड़ी बातें अच्छी अच्छी वाली कर देनी है, जिसको हम गप कहते हैं, लेकिन ये आप जिंदगी में इसको करो ना, मज़ा तब है। तो पंजाबी विच भी है, देख सकते हैं, भारतीय दार्शनिकां दे अनुसार सिक्ख्या दे संकल्प दी व्याख्या करो, भारत विच सिक्ख्या दे उद्देशां उत्ते विश्वीकरण दा की प्रभाव है, विकास दे टीचे की हन, टिकाऊ विकास दे सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दे टीचे की हन, किसे देश नूं टिकाऊ विकास नूं यकीनी बनाउण लई अध्यापक दी भूमिका बारे चर्चा करो, यूनेस्को दे द्वारा दित्ते गए सिक्ख्या दे चार थम्मां दा नाम दसो, इन्हां विचों किसे इक थम्म नूं मजबूत करन लई स्कूल विच भूमिका बारे दसो, समाजिक तब्दीली की है, सिक्ख्या समाजिक तब्दीली एक साधन है किवें दसना है, लोकतंत्र नूं परिभाषित करो, लोकतंत्र दे उद्देशां दी व्याख्या करो, एक बच्चे नूं सिक्ख्या देण लई घर दी की अहम भूमिका है, मुल की हन, स्कूली विद्यार्थियों विच कदरां कीमतां जां मुल पैदा करन लई वख वख तरीकियां दे साधनां दे सुझाव दिओ। तो पंजाबी विच भी है, हिंदी विच भी है, डरना मना है, डर के जिंदगी नहीं गुजारनी, हिंदी विच भी है पेपर, हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल, नैक्सट पेपर की गल करांगे। फिर टॉपिक वाइज जो कॉमन है, इंडिया दी कॉमन यूनिवर्सिटियाँ, इंडिया दी यूनिवर्सिटियाँ दे विच जो कॉमन क्वेश्चन कॉमन आंसर ने वो पहला डिस्कस करांगे, नाल नाल मेमोराइज किस तरह करना है वो सीखांगे, ठीक है, नाल नाल TET दे क्वेश्चन भी विचों कढ़ांगे। थैंक यू।